नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की योजनाओं के अलावा तकनीकी खामियों को लेकर चर्चा की। दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में 933 करोड़ का असेसमेंट हुआ है, जिसमें 753 करोड़ वसूले जा चुके हैं। तो वहीं उन्होंने विद्युत चोरी को रोकने को लेकर विभागों से विजिलेंस टीम की सक्रियता निभाने को कहा। दूसरी ओर तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने के काम के अलावा 132 केवी के नए चयनित सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन सहित उनके टेंडर प्रक्रिया को तेजी से करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता और कार्यदायी संस्था के कामों को लगातार मॉनिटरिंग करने और सही काम न करने पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए। मैंने ये यूपीसीएल और पिटकुल दोनों की ही मीटिंग ली थी और सबसे पहले आपने जो रेवेन्यू की बात की है तो 933 करोड़ के अभी तक टोटल असेसमेंट हुआ है। पूरे कुमाऊं की हम बात करें जिसमें 753 करोड़ का अभी तक हम लोग वसूल कर चुके हैं, तो 80% के आसपास इसका रियलाइजेशन है। लेकिन इसमें मैंने आपसे ये कहा था यूपीसीएल से कि जो आपके लॉसेज हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इसका मुझे ब्रेकअप वो बिजली घर वाइज दें। तो अभी क्योंकि मेरे पास सर्कल वाइज था तो उसमें भी अगर हम माने कि अगर टेक्निकल लॉस 12% के आसपास होता है तो उसके ऊपर के जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं उसमें विद्युत की चोरी है। तो उसमें मेरे निर्देश यही है कि जहाँ पे विजिलेंस की टीम है वो थोड़ा एक्टिवली काम करे। इसमें जो उनको पुलिस की आवश्यकता है और कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। और वैसे जो आपका जो RDSS स्कीम आनी है जो कि अब बड़ी जल्दी रोल आउट हो जाएगी, इसके UPCL पे काम चल रहा है, उसमें तो सभी जगहों पे स्मार्ट मीटर्स लगने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे भी स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, तो बिजली चोरी में काफ़ी कमी आएगी। दूसरा, फिर मैंने आपके जो सिविल वर्क्स चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की थी, तो इसमें एक तो काशीपुर में आपका जो सबस्टेशन बन रहा है उसमें UPRNN काफ़ी ढीला काम कर रही है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। एक कुरिया में भी एक सबस्टेशन बन रहा है जो 2020 से गतिमान है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसमें भी संबंधित जो फर्म है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के मैंने निर्देश दिए हैं। पिटकुल से अभी ये हमने पूछा कि एक्चुअली जो आने वाले 10-12 सालों में जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए जो नए बिजली घर बनने हैं, तो इनके जो 132 केवी के बिजली घर बनने हैं, एक धौलाखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक सरवरखेड़ा में बनना है, इसके अलावा एक खटीमा में बनना है, तो इसको लेके लैंड की अवेलेबिलिटी है। लोहाघाट में बनना है, उसकी लैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे है। और बरम में आपका बिजली घर 98% पूरा हो चुका है, इसकी अब लाइन जो बननी है जो आपका पावर ग्रिड का स्टेशन है जो आपका जौलजीबी में है उसके साथ जुड़ना है, तो उसके टेंडर्स हो रहे हैं। तो कुल मिला के इस पर आज बैठक हुई। तो ये थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।